ट्रेन के पटरी से उसके चारों पैर कट गए थे और दो दिन पड़े रहने से उसका खून इतना निकल चुका था कि हम सर्जरी के बाद जब उसको लेके आ गए थे तो चार दिन वो हमारे पास बच्चा रहा था, लेकिन एनेमिक होने के कारण वो नहीं बच पाया था। चसोराय कॉलोनीज में लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर से गाड़ी उतार देते हैं, वो जिंदा रहे या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो चीज़ हिट करी और फाइनली मैंने एक ऐसा शेल्टर खोला कि ऐसे बच्चों के लिए जो पैरालाइज रहते हैं, स्पेशल मेडिकेशंस जो उनके लिए प्रोवाइड हो सकते हैं वो देते हैं और एक न्यूट्रिशन फूड दे के उनको एक हैप्पी लाइफ देते हैं। जो नए केसेस आए इनके पैर छिले हुए सबके बैंडेजेस करना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रिप पर चल रहे हैं तो उनको सबको मिला के ड्रिप पर रखना, तो ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी सेवा करना इस संस्था का मकसद है। अभी डेली के कम से कम 10 पैरालाइज्ड डॉग्स के लिए हम पे इंक्वायरी आती है और ऑलरेडी हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स हैं, तो कम रिसोर्सेज होने की वजह से हम ये केसेस नहीं ले पा रहे हैं। व्हील चेयर ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कत ये है कि इनके जो फीट हैं वो भी छिल जाते हैं, घुटने ये हैं ये भी छिल जाते हैं, और उसमें वूंड्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं फिर उसमें मैगट्स पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरे मशीन, व्हील चेयर्स, हाइजीन एंड डॉग फूड की। तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप सब लोग इन पैरालाइज डॉग्स के लिए आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें और वो यहाँ आके एक अच्छी लाइफ जी सकें।